हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे बेस्ट लैपटॉप बताने वाला हूँ जो कि 30,000 के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और जो भी लैपटॉप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो i3 और i5 मॉडल के होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका बजट इससे भी कम है, यानी 30,000 से भी कम है, तो इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाया हुआ है जो कि 20,000 के अंदर और 25,000 के अंदर आपको बेस्ट लैपटॉप मिल जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो है और ये भी एक वीडियो है जो कि 20,000 और 25,000 के अंदर मैंने बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और हो सकता है कि इसमें से कोई आपको पसंद आ जाए, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो 30,000 के अंदर आपको बेस्ट लैपटॉप कौन सा होना चाहिए वो मैं लेके आया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इन सब लैपटॉप्स में कौन कौन सी खूबियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोगों का जो सब्सक्राइबर है 991 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड मैं इसी टाइप का वीडियो आपके लिए लाता रहूं हमेशा। लैपटॉप की खूबियां बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी आप लैपटॉप खरीदें तो SSD वाला ही खरीदें, ठीक है। हार्ड डिस्क जब भी लें तो SSD वाला लें, HDD वाला न लें, क्योंकि SSD बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलता है HDD से, ठीक है। ये एक चीज़। और दूसरा चीज़ है कि जो भी लैपटॉप मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन सभी लैपटॉप्स में ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्टिविटी रहेगा ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो तीसरे नंबर का जो बेस्ट लैपटॉप आता है वो HP की तरफ से आता है, जिसका नाम है HP ProBook 640, ठीक है। इस लैपटॉप के डिस्प्ले की बात करें तो 14.1 इंचेस का HD स्क्रीन आपको डिस्प्ले मिल जाता है और प्रोसेसर आपको इंटेल कोर का i5 फोर्थ जनरेशन आपको प्रोसेसर आपको मिल जाता है, ठीक है। प्रोसेसर काउंट की बात करें तो इस लैपटॉप में दो प्रोसेसर आपको काउंट मिल जाएंगे, ठीक है। रैम और हार्ड डिस्क की बात करें तो 8GB रैम, और आप अपग्रेडेबल कर सकते हैं 16GB तक, एंड 500GB हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज 10 प्रो ऑलरेडी आपको इंस्टॉल्ड मिल जाता है और वेट आपको 3 kg का ये मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दूसरा जो लैपटॉप आता है वो लेनोवो की तरफ से आता है, जिसका नाम है लेनोवो थिंकपैड, ठीक है। डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंच का HD स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाता है। प्रोसेसर में इंटेल i3 फिफ्थ जनरेशन का आपको प्रोसेसर आपको मिल जाता है। रैम और हार्ड डिस्क की बात करें तो 4GB का रैम मिल जाता है और 128GB SSD आपको मिल जाता है हार्ड डिस्क में। मैंने इससे पहले आपको बताया था यहाँ पे कि हार्ड डिस्क जब भी ले तो SSD का ही ले। ये जो लैपटॉप है इसमें SSD लगा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर SSD लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलता है SSD के साथ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज 10 प्रो ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा आपको और 2 kg वेट है, जो कि पहले वाले लैपटॉप से 1 kg आपको हल्का मिल रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो इंडिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेड इन इंडिया के तहत ये लैपटॉप बना हुआ है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। जो भी लैपटॉप बता रहा हूँ इन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, प्राइस भी और आपका जो फीचर्स आपको और ज़्यादा लगेगा वो फीचर्स भी आपको दिख जाएंगे ऑनलाइन ही, ठीक है। और पहले नंबर का जो बेस्ट लैपटॉप आ रहा है वो डेल की तरफ से आ रहा है, जिसका नाम है डेल लैटिट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स। इसके डिस्प्ले की बात करें, स्क्रीन का जो डिस्प्ले है 14.1 इंचेस का HD स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाता है। प्रोसेसर कोर i5 सिक्स जनरेशन का ये प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाता है। रैम और हार्ड डिस्क की बात करें तो 8GB का रैम मिल जाता है और 256GB SSD के साथ आपको ये लैपटॉप अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज 10 प्रो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा, MS ऑफिस प्रो भी इंक्लूड होगा इस लैपटॉप में, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन मेड इन इंडिया है और वेट 2 kg आपको मिलेगा। जो भी लैपटॉप
है उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।